हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज भटनागर और इस वीडियो में हम कर्वेचर से संबंधित एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले। बीएससी फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है और इससे संबंधित सभी फॉर्मूले हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए देखते हैं इस एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि प्रूव दैट फॉर द कर्व पी इक्वल टू ए साइन बी शाई इज पी प्रोपोर्शनल रॉ प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि वक्रता त्रिज्या समानुपाती है पी के लिए हमें ये प्रश्न को सॉल्व करना है। और यहां पर हमको जो वक्र दिया हुआ है वो पी शाई वक्र है और पी शाई वक्रों की वक्रता त्रिज्या हम अपने पिछले वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख के समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें P इक्वल टू ए साइन बी शाई ये एक वक्र दिया हुआ है और ये P शाई वक्र है और वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमको मालूम चले कि हमें करना क्या है। तो वक्रता त्रिज्या इसकी जो होगी वो है रो इक्वल टू P प्लस डी स्क्वायर पी प्लस डी शाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमको इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि पी का शाई के सापेक्ष हमें दो बार अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए वक्र का शाई के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो P का एक बार जब अवकलन करेंगे तो dP अपॉन डी शाई हो जाएगा और dP अपॉन डी शाई यहां पर हो जाएगा ए बी कॉस बी शाई। देखिए साइन बी शाई का कॉस बी शाई और बी शाई से बी और आ जाएगा तो यहां पर ये एक बार अवकलन हो गया। अब इसी का हम दोबारा अवकलन करते हैं तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी शाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस बी शाही का माइनस में होगा और एक और भी आ जाएगा तो माइनस का ए बी स्क्वायर साइन बी शाही। इन दोनों से अब हम इक्वेशन नंबर वन पर आ जाते हैं वापस से। तो समीकरण नंबर एक से जो रो की वैल्यू है वो हम निकालेंगे तो रो इक्वल टू पी प्लस और पी बराबर हमारे पास क्या है ए साइन बी शाही, ये पी की वैल्यू है प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी शाई स्क्वायर का मान रखना है तो वो हमारे पास ए बी स्क्वायर साइन बी शाई है। इसको सॉल्व करते हैं हम तो यहां से देखिए साइन बी शाई और ए कॉमन आ रहा है तो ए साइन बी शाई ये कॉमन ले लेते हैं हम तो पहली टर्म में से वन बचेगा और सेकंड जो टर्म है ये वाली टर्म माइनस की थी ये माइनस का मान है डी स्क्वायर पी अपॉन डी शाई स्क्वायर और यहां से हमने ए साइन बी शाई को कॉमन ले लिया तो माइनस का जो बी स्क्वायर है वो बच जाएगा। और वक्र का जो समीकरण हमको दे रखा है वक्र के समीकरण से अगर हम इसको यूज करते हैं तो रो इक्वल टू हो जाएगा ए साइन बी शाई का मान हमको पी के बराबर दे रखा है प्रश्न के अंदर तो वो यहाँ हम लिखेंगे तो पी बराबर ए साइन बी शाई हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा पी यानी कि वन माइनस बी स्क्वायर और इंटू पी। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि बराबर के निशान को समानुपाती में चेंज करने के लिए वन माइनस बी स्क्वायर को समानुपाती स्थिरांक मान लेते हैं और इसको फिर छोड़ देंगे तो माना वन माइनस बी स्क्वायर समानुपाती स्थिरांक हो तो हम इसको समानुपाती स्थिरांक मानकर छोड़ देंगे तो ये रो समानुपाती पी हो जाएगा। अब इसका जस्ट उल्टा करें कि समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो एक समानुपाती स्थिरांक हमको लेना पड़ेगा तो वो 1 माइनस वी स्क्वायर ले सकते हैं तो ये रो इक्वल टू 1 समानुपाती पी में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।